वेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ बेसिकली हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। और वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसको भी फॉलो करती हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो ये इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो वेक्टर्स की डेफिनेशन जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है उसको तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है और थर्ड प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। क्लियर। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ दो ही तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक को हम स्केलर कह देते हैं एक को हम वेक्टर कहते हैं। एक्चुअली जो मेन, ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझनी है, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स में दो ही तरह की क्वांटिटीज़ एक होती हैं, एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में एक और तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और एक होती है आपके पास टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसको ढंग से समझना है, स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिर्फ जिसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और एक और तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। जैसे जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे जाके। जैसे है प्रेशर, ठीक है, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो टेंसर क्वांटिटीज़ हैं, ना वो स्केलर है ना वो वेक्टर है। लेकिन अभी के लिए हम फिजिक्स में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। टेंसर्स जो होते हैं उनकी एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टेंसर एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम स्केलर क्वांटिटीज़ और उनकी एनालिसिस पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ और उनकी एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, ठीक है। अब आप पहले ये समझो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो ढंग से समझना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जितना काम का है बस उतना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कि अगर मान लिया दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और इनका जो नेट वेक्टर होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो सम होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके बीच में ये एंगल थीटा कितना है, ठीक है। तो जब कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मैं एक आपको ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वो वेक्टर, क्योंकि वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्रूशियल है, जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी क्रूशियल है। जैसे जैसे करंट, समझना जरा ढंग से, एक वायर ये है और एक वायर ये है, इसमें करंट आ रही है 2 एम्पियर और इसमें करंट आ रही है 3 एम्पियर और एक वायर ये है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, तो इसमें करंट जाएगी आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। एक करंट 2 एम्पियर, एक करंट 3 एम्पियर, इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, 5 एम्पियर, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। तो बस मुझे ये बताओ, ये जो रिजल्टेंट है 2 और 3 का, जो रिजल्टेंट 5 आ रहा है, क्या वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस दोनों वायर्स के बीच में कितना एंगल है, ये थीटा कुछ भी होता रहे, टू अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से कितनी करंट जाएगी, वो 5 एम्पियर ही जाएगी, ठीक है। तो करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन वो क्या फॉलो नहीं करती, वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसलिए ध्यान रखना, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर, एकदम ध्यान रखना आपको, ठीक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक एरो बना के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो की जो लेंथ होती है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है आपको, और ये जो डायरेक्शन, ये जो एरो है, एरो हेड है, ये क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, क्लियर। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट पढ़ना है आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, ठीक है।
तो किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लिया कोई है वेक्टर ए, तो ये तो वेक्टर ए को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ए बनाएंगे कैपिटल ए और उस पर एरो दिखा देंगे, तो ये है वेक्टर ए। और इसका अगर मॉडुलस रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो उस पर क्या लगा देंगे, मॉड। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर सिंपली इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप उस पर से एरो हटा दोगे तो अब वो वेक्टर नहीं बचा, अब वो सिर्फ क्या बचा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और एक और बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। सेकेंड बेसिक डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ठीक, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर, क्लियर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा हमने, कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट उस पर कैप लगा के करते हैं। जैसे ए डायरेक्शन में अगर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है वेक्टर ए ए की डायरेक्शन में, तो ए कैप, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिटी, और डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लिया कोई वेक्टर ए है, जैसे मैंने ये बनाया, मान लिया ये है वेक्टर ए, ठीक है, और आपको चाहिए ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन तो उसकी वही होगी जो ए की डायरेक्शन होगी, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी वो सिर्फ कितनी होगी, यूनिटी, ठीक है। तो ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी, सिर्फ यूनिटी, 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए कैप से, ठीक है। जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, ठीक है। तो वो होता क्या है बेसिकली, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, अगर कभी यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़े, जैसे ए की डायरेक्शन मान लिया आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा सिंपली वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस फॉर्मूले को आगे जाके यूज़ करेंगे। अभी आप ये समझो, जैसे कोई वेक्टर ए दिया है और अगर हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगा ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्लियर। कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर पता होते हैं, जैसे आई कैप है, ठीक है। आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स के अलोंग होती है, और मैग्नीट्यूड, तो सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई कैप क्या है, आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर जो एक्स के अलोंग होता है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग होता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, ठीक है। जैसे आई कैप होता है वैसे ही जे कैप होता है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है लेकिन वो किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और एक के कैप होता है, के कैप भी यूनिट वेक्टर है और वो किसके अलोंग होगा, आपका जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। ये जे कैप हो गया और ये क्या हो गया, के कैप। ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, एक है आपके पास आई कैप, एक है जे कैप और एक है के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, एक है एक्स के अलोंग, एक है वाई के अलोंग और एक है जेड के अलोंग, ठीक है, क्लियर। अगर आपको माइनस एक्स के अलोंग चाहिए होगा तो वो हो जाएगा माइनस आई कैप, अगर आपको माइनस वाई के अलोंग चाहिए होगा तो वो हो जाएगा माइनस जे कैप, और अगर आपको माइनस जेड के अलोंग चाहिए होगा तो वो हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, क्लियर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगर आपको कोई वेक्टर गिवेन है तो उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपको एक वेक्टर गिवेन है ए, ठीक है, वेक्टर गिवेन है ए और ये एक्स एक्सिस से डायरेक्शन भी फिक्स है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। इसकी जो वेक्टर की लेंथ है वो क्या बताती है आपको, मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा एंगल है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा आपको, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा कि एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज सेंस में ये थीटा एंगल पे वेक्टर ए है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको ढंग से देखना है, इसमें हम करते क्या हैं, इस वेक्टर के टिप से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ है, ये है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। वेक्टर ए की टिप से हमने एक्स पे क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। हुआ कितना, ये तो ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ है ए, ये एंगल है थीटा, तो आपको बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, थीटा दिया, और क्या फाइंड करना है, बेस। तो आप कॉस थीटा लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो लेंथ होगी ये आ जाएगी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये लेंथ कितनी आ गई आपकी, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो
तो ये एक cos थीटा है क्या, ये एक cos थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए की टिप से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब ये जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी, तो ये होगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, और ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये लेंथ वही होगी जो ये लेंथ होगी, ठीक है। और ये होगी कितनी, तो ये थीटा है, हाफनेस गिवन है आपको, तो ये लेंथ होगी आपकी ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ भी कितनी होगी आपकी, ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसके सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, सिर्फ दो कंपोनेंट इसलिए होंगे क्योंकि ये जो वेक्टर है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में टू डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। अगर ये वेक्टर थ्री डी में होता तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होता, एक वाई कंपोनेंट होता और एक जेड कंपोनेंट होता, ठीक है। एक कंपोनेंट इसका एक्स के अलोंग होता, एक वाई के अलोंग होता और एक जेड के अलोंग होता, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो वो आपको ढंग से देखना, वेक्टर ए को मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, ठीक है। तो ढंग से देखना आपको क्या करना है, जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग है यानी वो कंपोनेंट कितना, ए कॉस थीटा, उसके साथ लगा देना आई कैप, क्योंकि एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप, ठीक है। प्लस जो कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है जो कि दिया आपको ए साइन थीटा, उसके साथ क्या यूज़ करना है आपने, जे कैप। और अगर कोई कंपोनेंट जेड के लॉन्ग होता तो वो यहाँ लिख देते और उसके साथ क्या यूज़ कर लेते, के कैप। सिंस अभी कोई जेड के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है तो वो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, जीरो। तो ये हो गया वैक्टर ए, ठीक है। वैक्टर ए लिखने के लिए क्या करो, एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट निकालो, उसके साथ क्या यूज़ करो, आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है एक्स के लॉन्ग, ठीक है। अब आप ढंग से समझना जरा इसको, जब आपने ए कॉस थीटा में आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो हमारे दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट था उसको डायरेक्शन मिल गई, ठीक है, क्योंकि आई कैप एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन है, ठीक है, तो डायरेक्शन मिल गई। और दूसरा, आई कैप से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड स्टिल कितना रहेगा, ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आई कैप का जो अपना मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान रखना आपको एकदम, कि जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई जैसे ही हमने किया तो उसको डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। जिसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको क्या मिल जाती है, डायरेक्शन। जैसे ए कॉस थीटा था, ये सिर्फ ए कॉस थीटा क्या था, एक स्केलर वैल्यू थी, ठीक है। और जैसे आपने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वैक्टर बन गया, ठीक है। तो ए कॉस थीटा को डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। और दूसरा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आई का अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। और 1 से किसी में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका वैक्टर ए, ठीक है। तो किसी भी वैक्टर को, जनरल वेक्टर को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो कोई भी जनरल वेक्टर है तो वो है आपका, वो हो सकता है, हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आपको समझ में आ गया होगा ये ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या है। ये जो ए एक्स है ये है वेक्टर ए का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, ए वाई है वेक्टर ए का वाई के लॉन्ग कंपोनेंट और ए जेड है वेक्टर ए का जेड के लॉन्ग कंपोनेंट। क्लियर, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे तो वो भी आप यहीं समझ लो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा सिंपली ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। क्लियर। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक वैक्टर दिया आपको थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, यानी जो वेक्टर है उसका एक्स के लॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। वाई के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है, 4। और जेड के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है, 5। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल फॉर्मूला है, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया अंडर रूट 50, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5√2। तो ये वेक्टर ए का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 5√2। क्लियर, ठीक है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, किसी वेक्टर को कैसे लिखना है, वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें मान लिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आ गया आपका, अब अगर हमें मान लिया वेक्टर ए का यूनिट, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी लिखना है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए के अलोंग, तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा बेसिक फॉर्मूला क्या, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ए कितना है, तो वेक्टर ए आपके पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये है आपके पास वेक्टर ए, और उसको किससे डिवाइड कर देना है, उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितना आया, 5√2। तो ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसको और ज़्यादा आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 5√2, इसके साथ क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 4 अपॉन 5√2, उसके साथ ये हो जाएगा जे कैप प्लस 5 अपॉन 5√2 यानी 1/√2 होगा बेसिकली ये, और उसके साथ क्या हो जाएगा ये के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैप, ठीक है। ठीक है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स इक्वल कब कहे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उनकी डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें सेम हो, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हों और सेम डायरेक्शन में हों, तब वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वेक्टर इक्वल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लिया एक वेक्टर अगर ये है, ठीक है, ये मान लिया एक वेक्टर है वेक्टर ए, और जितना मैग्नीट्यूड इसका उसी उसी के बराबर एक और वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की जो लेंथ है, दो दोनों के मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी क्या है, निगेटिव वैक्टर्स। निगेटिव वैक्टर्स कौन से वैक्टर्स होते हैं, तो वो बहुत आसान है। अगर वैक्टर ए आपका इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये आपका वैक्टर ए है, ठीक है, ये मान लिया आपका वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेक्टर और उसी के बराबर, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर होगा और उसी के बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लिया ये जो वेक्टर है वो है आपका वेक्टर ए, ठीक है, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो निगेटिव का मतलब सिर्फ क्या अपोजिट कर देनी है आपने डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वही रखना है जो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैक्टर, ठीक है। अगर ये वैक्टर ए है तो ये हो जाएगा माइनस ए। उसका उल्टा भी है कि अगर ये वैक्टर ए है, अगर इसको आपने ए कह दिया इस वैक्टर को, तो ये वाला वैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट करने से वैक्टर क्या हो जाता है, निगेटिव, क्लियर। थर्ड पॉइंट, को इनिशियल वैक्टर। तो ये भी बहुत आसान है, को इनिशियल वैक्टर्स क्या होते हैं, जब दो वैक्टर सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए दो वैक्टर बनाए मैंने, और ये वेक्टर मान लिया ए वेक्टर है और ये मान लिया वी वेक्टर, ये दोनों को इनिशियल हैं। क्यों है को इनिशियल, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम, ठीक है। तो ये वेक्टर्स हो जाएंगे आपके को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेनी है इसमें, वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आया कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ये काफ़ी आसान है। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे अगर ये दोनों क्या होंगे, सेम लाइन के अलोंग होंगे। जो लाइन ऑफ एक्शन फर्स्ट का है वही लाइन ऑफ एक्शन किसका होगा, सेकेंड का, ठीक है। तो ये वैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर वैक्टर, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, कोलिनियर जो वेक्टर्स होते हैं ये वो पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हो और उनको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये अगर ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं आपके, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, हो सकता है वैक्टर ये इस कुछ इस तरह से होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो ये भी वैक्टर क्या है, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब सीधे से होता है, वो एक ही लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, हम कोलिनियर वैक्टर्स, ठीक है। और कोप्लेनर वैक्टर्स क्या होते हैं, तो इसको ढंग से समझना है, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे उनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दो वेक्टर्स अगर वो एक दूसरे इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वेक्टर्स, ठीक है, तो ये हमेशा कोलिनियर होंगे, ठीक है। इन दोनों सॉरी कोप्लेनर होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर। इन दोनों को मिला के आप एक प्लेन बना सकते हो, ये जो प्लेन मैंने शेडेड प्लेन बनाया, इस प्लेन में ये दोनों वैक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर वैक्टर्स की जो डेफिनेशन हुई कि वो सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हों, एक ही प्लेन में हों, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और दो इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। कोई से दो वेक्टर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर ऑलवेज। ठीक है, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मान ले एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ढंग से समझना आप इसको, अगर ये तीनों मिलके क्या क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल। मान लिया कुछ इस तरह के वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये और तीसरा वेक्टर ये है, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल। तो अगर ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। ठीक है, और अगर ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कोप्लेनर हैं कि नहीं है, तो ये फिर ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है सी, और ये ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से समझना है। अगर सी वेक्टर को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, मतलब समझो पहले आप इसका, ये है क्या, ये है कि ए में हमने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर से, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और बी में भी हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, और अगर ये नंबर कुछ इस हिसाब से एडजस्ट किए हैं ताकि इन दोनों का जो सम है वो अगर सी के बराबर आ जाता है, तो समझ लेना ए बी सी क्या है, आपके कोप्लेनर वैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लिया एक वेक्टर ए दिया, एक बी दिया और एक सी दिया है। ठीक है, और आपने अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी होती है, ठीक है, आपने लिखा सी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू वी। ठीक है, और लैम्डा और म्यू की रियल वैल्यूज आ जाती हैं, लैम्डा और म्यू की कैसी वैल्यूज आ जाती हैं आपकी रियल, तो ए बी और सी ये तीनों वैक्टर क्या होंगे, आपके कोप्लेनर वैक्टर होंगे। क्लियर, एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाया उसको करते हैं। तो ये तीन वेक्टर्स दिए हैं आपको, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है। ठीक है, ए की कुछ वैल्यू है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ऐसी बी की कुछ वैल्यू है आई कैप प्लस फोर बाई थ्री के कैप, इसमें जे कैप नहीं है, और ऐसी सी की वैल्यू है फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस एट के कैप। ठीक है, ये तीन वैक्टर्स दिए हैं और आपको ये चेक करना है कि ये तीनों कोप्लेनर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा, हम क्या करेंगे, हम वैक्टर सी इज इक्वल टू लिखेंगे सम लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर वो कोई रियल वैल्यूज़ मिल जाती हैं आपको, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ए बी और सी ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो सी है आपका फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस एट के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, कितना है, तो ए आपका आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप प्लस म्यू टाइम्स बी, कितना है, तो बी आपका आई कैप प्लस फोर बाई थ्री के कैप, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप समझो। हम क्या करेंगे इसमें, इसमें जो आई कैप का कॉफिशियंट इधर है और जो आई कैप का कॉफिशियंट इधर आएगा उन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर जो जे कैप का कॉफिशियंट इधर होगा, जो जे कैप का कॉफिशियंट इधर आएगा उसको भी कंपेयर करेंगे, ऐसे ही के कैप के कॉफिशियंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई कैप के कॉफिशियंट को कंपेयर करते हैं, तो आई कैप का इधर कॉफिशियंट कितना, फाइव। ठीक है, इस तरफ कॉफिशियंट कितना, फाइव, और इस तरफ कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा और यहाँ से आ जाएगा म्यू, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू, एक इक्वेशन बन गई आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे जे कैप का कॉफिशियंट कितना, फोर। ठीक है, यहाँ पे जे कैप का कॉफिशियंट कितना, फोर इक्वल टू, यहाँ पे जे कैप का कितना है, तो जे कैप का अगर आप देखोगे तो टू इंटू लैम्डा, तो टू लैम्डा प्लस म्यू में यहाँ पे कोई जे कैप नहीं है, तो ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक है, एक और इक्वेशन मिल जाएगी आपको, के कैप का कॉफिशियंट कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगी एट, इधर है के कैप का कॉफिशियंट एट और यहाँ कितना है, तो ये मिल जाएगा टू लैम्डा प्लस ये हो जाएगा फोर बाई थ्री म्यू, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन मिल जाएंगे, एक एक्स का कॉफिशियंट, एक वाई का कॉफिशियंट, एक जेड का कॉफिशियंट, तीनों कंपेयर करके। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास अननोन तो सिर्फ दो ही हैं, लैम्डा और म्यू, और इक्वेशन बन गई तीन, ये तो ये तीसरी इक्वेशन का क्या काम है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ढंग से समझो। ठीक है, आपको दो इक्वेशन सफिशियंट रहेंगी लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में कम आता है, मैथमेटिक्स में ही मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो इक्वेशन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन का क्या काम है। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन में आपको वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करके जस्टिफाई करना है कि तीसरी इक्वेशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तीसरी इक्वेशन ठीक हो गई वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करने के बाद, तो समझ लेना हमारा क्वेश्चन ठीक है और ए बी सी क्या होंगे, आपके
कोप्लेनर होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको चेक करना है ए बी सी कोप्लेनर है तो पहले कुछ इस तरह की इक्वेशन लिखो, सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। फिर इस इक्वेशन को लिख के आई कैप का कॉफिशेंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, जे कैप का कॉफिशेंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे और के कैप का कॉफिशेंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको ओवरऑल तीन इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, तीन इक्वेशंस में से दो इक्वेशन सफिशियंट रहेंगी लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेना इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, वो वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो समझ लेना ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर। और अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो समझ लेना ए बी सी क्या होंगे, नो ए बी सी कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्ट देख रहा है लैम्डा कितना आ जाएगा, टू। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो म्यू कितना आ जाएगा, थ्री। तो वैल्यूज तो आ गई, अब खाली वैल्यूज आ जाने से ये नहीं हो जाएगा क्लियर कि ए बी सी कोप्लेनर है। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपको कहाँ पुट करनी है, थर्ड में। तो देखते हैं क्या आने वाला है, एट टू टाइम्स लैम्डा कितना है, लैम्डा है आपका टू प्लस फोर बाई थ्री टाइम्स म्यू कितना है, म्यू है आपका थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो इधर है एट और टू इंटू टू फोर, फोर प्लस फोर इधर भी क्या आ गया, एट। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो वैक्टर ए वैक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे आपके, कोप्लेनर। क्लियर।